नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के स्ट्रीम में। मैं हूं अभिनव। 28 जुलाई से बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में 24 साल बाद क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सारे सदस्य बर्मिंघम पहुंच चुकी है। टीम का ऐलान काफी पहले ही कर दिया गया था। भारत का कमान ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर के हाथों में सौंपा गया है, तो वहीं उपकप्तान के तौर पर ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना मैदान पर नजर आएंगी। इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो गोल्ड जीते, पर गोल्ड जीतने तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। भारतीय टीम अपना पहला ही मुकाबला 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की महिला टीम हो या फिर पुरुष टीम, दोनों के खिलाफ ही खेलना काफी चैलेंजिंग होता है। इसके साथ भारत का अगला मुकाबला सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ इस महीने के अंतिम दिन खेला जाएगा। 31 को होने वाले इस मुकाबले के लिए जितना प्रेशर दोनों देश के खिलाड़ियों पर होगा, उतना ही प्रेशर दोनों देश के क्रिकेट प्रेमियों पर भी होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि दोनों देश के बीच का मुकाबला सिर्फ मुकाबला ही नहीं रहता, बल्कि ये एक सम्मान का चैलेंज बन जाता है, तो ऐसे में भारत हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। इसके बाद 3 अगस्त को बारबाडोस के खिलाफ भारत अपना तीसरा मुकाबला खेलेगा। पहले दो मुकाबले में से कोई एक मुकाबला भी भारत अगर हार जाता है, तो तीसरा मुकाबला बारबाडोस के खिलाफ भारत के लिए काफी अहम साबित होगा। हालांकि जब टीम बर्मिंघम के लिए रवाना हो रही थी, तब एयरपोर्ट पर फैंस ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी कि टीम मैदान फतह कर गोल्ड मेडल घर लाए। वहीं टीम के खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें टीम के साथी खिलाड़ी के साथ वो हैं, और उन्होंने लिखा भी है कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए बर्मिंघम की रवानगी, तो पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। तो क्रिकेट से जुड़ी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।